नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध अथ त्रयोदशोध्याय 13वां अध्याय वाराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू व मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। देखो, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा और उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यों कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्यों कि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर
ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। तो जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभुव मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सुकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है, ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पहरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ा भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण भी तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। बोलो वराह भगवान की जय। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सुकर रूप भगवान ऊंच उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने
उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। पुलिहर वराह भगवान की। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। जेताम जेताम ते जेता यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलील्युरध्वरास् तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। ईश, आपकी थूथनी मुख के अग्र भाग में श्रुक है और नासिका छिद्रों में श्रुवा है। उदर में इड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है। कानों में चमस है। मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन, उपसद तीन इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और आवसत्य उपासनाग्नि हैं तथा प्राण चिति इष्टि का चयन है। देव, आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना, प्रातः सवन आदि तीन सवन हैं। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अधिरात्र और आप्तोरियाम नाम की सात संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांस पेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। हरे नमः, हरे नमः। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व क्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पृथ्वी को
धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघ माला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हरे नमः। प्रभो, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस मतलब आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्व आदि गुणों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। बोलिए वराह भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हरे नमः। हरे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनके इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। बोले अंतर्यामी भगवान की जय। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। नारायण 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 ना।